बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मैंगो कस्टर्ड बनाऊंगी, जिसकी इंग्रेडिएंट्स ये हैं। 1 किलो मैंने दूध लिया है और 4 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड है। 1 बड़ा मैंगो था जिसके मैंने क्यूब्स में काट लिया है। आधी प्याली चीनी है। 1 सादा केक लिया है जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। 4-5 पिस्ते, 10-12 पिस्ते हैं और 10-12 ही बादाम हैं जिसको मैंने चॉप कर लिया है। और 3 टेबलस्पून भर के मैंने क्रीम लिए है डेकोरेशन के लिए। और 2 फ्लेवर की हमारे पास जेली है, मैंगो फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। 1 पतीली ली है हमने, उसके अंदर हम 1 किलो दूध डालेंगे। पहले से ही मैंने पैन ऑन कर दिया था फ्लेम, और दूध को बॉयल होने देंगे। दूध में बॉयल आ गया है, हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। अब इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे 1/2 प्याली। अब हम चीनी ऐड करेंगे, चीनी को डिसॉल्व होने देंगे दूध में। जब तक चीनी हल हो रही है, मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया था, उसके अंदर कस्टर्ड पाउडर को हल कर लिया। दूध के अंदर कस्टर्ड पाउडर डाला और ताकि इतना फैटना है कि उसमें लम्स नहीं बनने चाहिए। अब साथ के साथ आप चमचा भी हिलाते रहें और कस्टर्ड पाउडर को इसके अंदर डाल दें, क्योंकि अगर जैसे चमचा रोका तो इसके लम्स बन जाएंगे दूध में। और जब तक पकाना है, जब तक इसकी थिकनेस जितनी आपको चाहिए उतनी ना हो जाए और कस्टर्ड अच्छे से दूध में पक जाए और चीनी भी डिसॉल्व हो जाए। चमचे को मुसलसल हिलाते रहना है, तकरीबन 2-3 मिनट तक आप इसको पकाएंगे चूल्हे पे, और उसके बाद फ्लेम ऑफ करने के बाद भी चमचा हिलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर जो स्टीम है वो निकलती रहे। 2-3 मिनट हो गए हैं और हमारी जो थिकनेस है वो भी बिल्कुल अच्छी बनी है। बस अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और डिश आउट करेंगे। अब हम कस्टर्ड की डेकोरेटिंग करेंगे, और कस्टर्ड हमारा रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। सबसे पहले हम केक की लेयर लगाएंगे। उसके बाद हम क्रीम की लेयर लगाएंगे। ये जो हमारे पास क्रीम है वो सारा फैला देंगे। क्रीम को हम फैला देंगे अच्छे से। जो गैप्स हैं इसमें, इसमें भी हम केक को फिल कर लेंगे। बस हमने क्रीम को अच्छे से पूरे पे फैलाना है। अब इसमें हम जेली ऐड करेंगे। जेली को कॉर्नर्स पे इस तरह
और साथ में रेड भी। अब हम इसके अंदर पिस्ते और बादाम डाल देंगे लाइक दिस। और उसके बाद हम डालेंगे कस्टर्ड जो रूम टेम्परेचर पे है हमारा। सही है। अब हम सारे कस्टर्ड को फैला देंगे अच्छे से ताकि इस पे अब हम कॉर्नर्स पे मैंगो डालेंगे। थोड़े थोड़े देते रहेंगे। अब ये तैयार हो गया है। इसके बीच में हमने रेड जेली डाल दी है। और नाउ अब आप ट्राई करके देखिएगा।